नमस्ते, आप सभी का स्वागत है रोशनी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ फरा रोटी, फोरन वाला फरा। देखिए, ये चावल का आटा है, इसमें मैं आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। अब इसमें देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक गिलास के करीब पानी ली हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से लोई बना लेंगे। ये नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। अब इसको मल के एक अच्छा सा लोई बना लेते हैं। देखिए, अब हमारा लोई बन के रेडी हो गया है। अब इसको मैं बताती हूँ आप कैसे बनाइए। छोटा छोटा लोई उसमें से तोड़ लीजिए। देखिए, ऐसे ही बनाने जाना है आपको, बनाते जाना है, सभी को ऐसे ही बना लेंगे आप। हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, या गोल गोल बना सकते हैं, या और पतला कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद है आप वैसा बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, इधर एक साइड मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ, गैस ऑन कर ली थी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, एक चम्मच के करीब ऑयल डाली हूँ। इसके लिए देखिए, मैं दो लाल मिर्च ली हूँ। देखिए, अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए, राई, सरसों का दाना, और देखिए, दो सूखी मिर्च ली हूँ मैं। इसको भी इसी में डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और भी मिर्ची डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ दो ही डाले हैं। अब देखिए, हमारा फूरन अच्छे से कड़क गया है। अब हम लोग यहीं पे इसमें आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे। आधा गिलास करीब इसमें पानी डाले हैं। देखिए, अब हमारा पानी भी अच्छा खासा बॉईल हो रहा है। यहीं पे हम ये जो फरा बनाए हैं इसको एक एक करके डाल देंगे। सभी फरों को ऐसे ही डाल लीजिए। देखिए, सभी फरों को डाल लिए हैं। अब इसमें अच्छा खासा बॉईल आ रहा है। अब इसमें आप हल्दी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डालते, इसीलिए मैं आपको भी नहीं दिखाई हूँ। अब इसको हम लोग एक ढक्कन से ढक देते हैं। अब इसको अपन 10 से 15 मिनट फुल आंच पे पका लेते हैं। देखिए, अब इसको मुझे 10 से 15 मिनट करीबन हो गया है पकाते। अब ढक्कन देखिए, खोल के देखते हैं। देखिए, इसका पानी सूख गया है, अच्छे से पक गया है। अब एक एक करके सभी फरा को पलट लेंगे। ऐसे पकता नहीं है, बहुत ही आसानी से पलट जाता है। अब इसको फिर से ढक देंगे, इस साइड को फिर से पका लेती हूँ। देखिए, अब ये पक गया है। मैं गैस को बंद कर ली हूँ। इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए, अब हमारा फोरन वाला फरा बन गया है। देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत क्रंची है, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप भी बनाइए और खाइए। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप नाश्ते का तौर भी बना सकते हैं, उतने टाइम कभी भी बना सकते हैं, जब आपका मन करे। बहुत जल्दी बन जाता है। खा लो बेटा। देखिए, यहाँ मेरी बेटी को भी पसंद आ रहा है, खा रही है वो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।